हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं नए लेक्चर के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, वो क्या था? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की जो है हम लोगों ने विधि पढ़ ली बनाने की विधि। वो तीन विधियाँ, तीनों कौन कौन सी? एक प्रयोगशाला विधि, एक ओस्टवाल्ड विधि और एक बर्कलिन तथा आइट की विधि। नाइट्रिक एसिड की तीनों विधि जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रयोगशाला विधि भी कई बार आई है, और जो है नाइट्रिक एसिड की ओस्टवाल्ड विधि और बर्कलैंड तथा आइट की विधि ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसलिए आप तीनों विधि को एक बार देख लें। तीनों विधि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के कुछ गुण। और गुणों में किस कौन से गुण? आप जानते हैं किसी भी कंपाउंड का या कोई भी सब्सटेंस हो, उसके दो प्रकार के गुण होते हैं जनरली, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यानी इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और भौतिक गुण में और रासायनिक गुण में कौन कौन सी बातें हैं वो देखेंगे। ठीक, तो जैसे नाइट्रिक एसिड मैंने यहाँ लिख रखा है, तो नाइट्रिक एसिड की दो प्रॉपर्टी हमें देखना है। एक कौन सी? एक देखना भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सही है, भौतिक गुण। और एक देखना हमें क्या? केमिकल प्रॉपर्टी यानी ये रिएक्शन कैसे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है, इसके कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करूं, तो सबसे पहले इनकी हम बात करेंगे कि इनका जो है कलर कैसा होता है। ठीक है, कलर या फिर ये लिक्विड है या गैस है, ये सॉलिड है, तो ये जो है ना, ये कलरलेस, सॉरी, ये कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड है, अगर ये प्योर फॉर्म में पाया जाए तो कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो है कलरलेस कैसा क्या है? लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर इसमें कुछ इंप्योरिटी हो, यानी कुछ अशुद्धि मिक्स हो, तो अशुद्धि मिक्स के केस में ये जो है पेल येल्लो होता है, यानी हल्का जो है येल्लो कलर का होगा, पीले रंग का दिखेगा हल्का। अब ये पीला जो येलो होता है वो किसकी वजह से होता है, यानी इसमें कौन सी ऐसी अशुद्धि होती है? तो उसकी जो अशुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है NO2 की वजह से। NO2 जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर इसकी प्रेजेंस नाइट्रिक एसिड में अशुद्धि की फॉर्म में होगी तो इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? हल्का पीला रंग का दिखाई देगा आपको। और इसको हीट करेंगे तो ये ब्राउन की तरफ जाता है। ठीक है, ब्राउन रंग, ब्राउन रिंग टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो NO2 की प्रेजेंस की वजह से ये कैसा है? पेल येलो, यानी हल्का येलो दिखेगा। वैसे कैसे, किस फॉर्म में पाया जाता है? अगर प्योर फॉर्म में होगा तो कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में पाया जाएगा। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर इसकी बीपी की बात करें, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लगभग 84 डिग्री सेंटीग्रेड, 84.1 के समथिंग है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसको अगर बॉइल किया जाएगा ना, तो 84 यानी 84 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। अगर इनकी फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर इनको हमें जमाना इनके हिमांक की बात करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इनका, फ्रीजिंग पॉइंट यानी इनका हिमांक जो है, इनका हिमांक कितना होता है? इनका हिमांक होता है लगभग -42 डिग्री सेंटीग्रेड, -42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इनका हिमांक जो है कितना है? -42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है? कलरलेस लिक्विड है अगर प्योर फॉर्म में होंगे तब, और अगर इसमें कोई अशुद्धि होगी तो ड्यू टू इम्प्योरिटी, यानी अगर कोई अशुद्धि प्रेजेंस हो, अशुद्धि की इसमें प्रेजेंटेशन हो, तो उसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा? पेल येल्लो हो जाएगा, यानी ये कैसा? हल्का पीले रंग का। फिर इसके बीपी की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 84 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक की बात करें, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पर, FP की, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो ये क्या होगा? -42 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज -42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जम जाता है, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये अगर इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें हम, सॉलिबिलिटी क्या होती है? ये जो है वाटर में सॉलुबल होता है, वाटर के अंदर सॉलुबल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और फिर वाटर के अंदर, तो इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के अंदर इजिली जो है डिजोल्व हो जाता है। इसलिए वाटर में क्या है? सॉलुबल है, तो वाटर में सॉलुबल है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो मेन मेन पॉइंट थे, मैंने सारे बता दिए कि ये किस कलर का कैसा होगा, इसका जो है बीपी क्या है, इसका हिमांक क्या है, ये सॉलुबल है या नहीं है। तो ये तो हो गए इसकी कुछ भौतिक गुण। भौतिक गुणों की बात बात करें, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और अगर हम देखें भौतिक गुण के बाद, अगर इसको हमारे स्किन पे डाला जाए, अगर मान लीजिए आप HNO3 को अपने स्किन पे डालें, तो स्किन पे डालने पे क्या होता है ना, चकत्ते टाइप के हो जाते हैं, मतलब जो है घाव हो जाएगा, बहुत खतरनाक, पेनफुल। अगर आपको, आप अपने स्किन पे इसको रखेंगे, तो ये हमारे लिए जो है काफी हार्मफुल है। अगर आपने डायरेक्ट इसको स्किन पे रख दिया, तो स्किन पे रखने से घाव टाइप का हो जाएगा, चकत्ते निकल जाते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे स्किन के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और मेन जो गुण हमें पढ़ना है वो केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है, ये हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं उसको मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस तरीके से पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम HNO3 के बारे में जनरल कर लेते हैं कि HNO3 के बारे में अगर थोड़ा देखा जाए, डीपली इसके अंदर घुस के देखें तो इसमें है क्या। तो पहले मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझाने से पहले जो है नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी छुपी हुई है। तो वो छुपी हुई प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, दुनिया में ज्यादातर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -3 से +5 तक लाई करती है। -3 से +5 के मतलब है कि नाइट्रोजन जनरली जितने भी कंपाउंड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 से +5 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, इनके बीच में ही घूमता रहता है। ठीक, -3 से +5। और इसका रीजन क्या है आप जानते हैं, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को 5 दे सकता है, और इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन करना हो तो इसको कितने की जरूरत है, तो 3 की जरूरत है, तो लेने टाइम में ये 3 ले सकता है और देना हो तो किसी को 5 दे सकता है। तो यहां जो है नाइट्रोजन, यहां पे हमें ये चेक करना है कि HNO3 के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, उससे आपको एक नई प्रॉपर्टी, नाइट्रिक अम्ल, देखिए यहाँ जो HNO3 है, HNO3 दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो ये एसिडिक है, इसका नाम ही क्या है, एसिडिक, यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी तो ये शो करता ही है, यानी एसिड है तो बेस के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी या फिर एसिड की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो वाली प्रॉपर्टी तो शो करता ही है। लेकिन नाइट्रिक एसिड से पूछो ना कि भाई और कोई सी भी प्रॉपर्टी शो करते हो क्या, तो नाइट्रिक एसिड कहता है हाँ हम करते हैं, हम लोग ऑक्सीकारक हैं, और ऑक्सीकारक ऐसा वैसा ऑक्सीकारक नहीं, बहुत ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं ये आपको पता है, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो दूसरे का क्या करा दें, ऑक्सीकरण, और अपचायक वो होते हैं जो दूसरे का क्या करा दें, अपचयन। तो यहां पर हम इसको ऑक्सीकारक क्यों बोल रहे हैं, देखिए ऑक्सीकारक जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एजेंट वो होते हैं जो किसी काम को कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं इसको हम, यानी ऑक्सीकारक बोल रहे हैं। तो ऑक्सीकारक यानी कारक, कारक किसको कहते हैं, जो कोई काम करता है। तो कारक का मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट उसको बोलते हैं जो कोई काम करे। तो ये किसका काम करेगा, ये ऑक्सीकरण करने का काम करेगा, और किनका, दूसरे कंपाउंडों का ये ऑक्सीकरण कराएगा, और बहुत अच्छी तरीके से कराएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर इसको दो बेस पे हम कह सकते हैं, अच्छा ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। किस बेस पे, एक तो इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की बेस पे, इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा एक्सेप्ट करता है, और एक बात करेंगे ऑक्सीजन के बेस पे। ठीक है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बेस पे हम कैसे बात करें, तो आपको पता है ऑक्सीकरण जो है कितने प्रकार से होता है, ऑक्सीकरण कितने प्रकार से होता है, ऑक्सीकरण दो प्रकार से। अगर हम इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बेस पे बात करें, अगर हाइड्रोजन को अभी छोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बेस पे बात करें तो कोई ऑक्सीजन, अगर किसी में ऑक्सीजन का एडिशन हो, कहीं पे ऑक्सीजन जुड़े, तो ये किस, कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो भी कौन सी प्रोसेस है, तो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि कोई ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे, तो ऑक्सीजन जो एक्सेप्ट करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां जो ये HNO3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा लेकिन खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, यानी अपना क्या कराएगा, रिडक्शन, यानी इसका तो होगा अपचयन और दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का जाना यानी एडिशन, जुड़ना ऑक्सीकरण, और जाना अपचयन। तो इसमें से ऑक्सीजन जाएगा और किसी में जाके जुड़ेगा, इसका मतलब यह है कि HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, यानी नवजात ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो नवजात ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में जाके जुड़ता है, और जुड़ने की वजह से उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इसमें से जब ऑक्सीजन गया है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन यानी अपचयन। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारक। ये तो हो गई बात ऑक्सीजन के बेस पे। अब यहां इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर आपको देखना हो कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम इसको क्यों ऑक्सीकारक बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर आपको देखना होगा तो इसके लिए आपको HNO3 के बारे में थोड़ी सी बात और करना पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के देखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करना पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ऑक्सीकरण और अपचयन कहला रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहां अगर हम देखें तो जो हमारा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वो +5 की फॉर्म में होगा। यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितने, कौन सी फॉर्म में होगी? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि नाइट्रोजन दुनिया में किसके लिए जाना जाता है? -3 से +5 तक के लिए ही जाना जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहां से कहां तक लाई करती है? -3 से +5 तक। -3 से +5 का मतलब ये है कि ये -3 से कम नहीं हो सकता और +5 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में ही भटकता रहता है। यानी जितने भी प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें नाइट्रोजन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैक्सिमम कितनी होगी? +5, और मिनिमम कितनी होगी? -3। इससे कभी कम नहीं और इससे कभी ज्यादा नहीं, चाह के भी नहीं बना सकता। नाइट्रोजन +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नहीं और -3 से कम कर नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन जो है यहां पर, यहां इस वाले केस में, नाइट्रिक वाले केस में, नाइट्रिक एसिड वाले केस में, नाइट्रोजन कभी भी +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा हमेशा। मतलब नाइट्रोजन +5 है तो कभी भी ये क्या कर सकता है? ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें बढ़ा नहीं सकता। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ना, बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ये और डोनेट करना चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन एक ही काम कर पाएगा, क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। किसी से इलेक्ट्रॉन लेना हो ना तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है नहीं। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में? क्योंकि आपको पता है, आपको क्या, पूरी दुनिया को पता है, नाइट्रोजन के पास 2.5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं ना, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उस 5 इलेक्ट्रॉन में से पांचों के पांचों दुनिया में लुटाए बैठा है। यहां जो नाइट्रोजन बैठा हुआ है वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लुटा के बर्बाद होके यहां पर अफसोस मना रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन थे और वो 5 के 5 मैंने दे दिए। तो अब देने के लिए तो कुछ बचा नहीं, अंदर वाला दे नहीं सकता, अंदर वाला देगा तो न्यूक्लियस चपेट लगा देगा, तो न्यूक्लियस इसको देने नहीं देगा और 5 दिए बैठा है। तो अब तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कंडीशन में है नहीं, तो अब तो एक ही चीज है, क्या? इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। इसको क्या करे? इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो नेगेटिव रखना पसंद करते हैं। सोचो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होके अपने ऊपर पॉजिटिव लिए बैठा है, मतलब नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव लेके घूम रहा है, कितनी गलत बात है। नाइट्रोजन को शर्म आती होगी यहाँ पे +5 की फॉर्म में बैठे बैठे, तो इसको ऐसा लगता हो कोई जल्दी से आए और मेरे इस प्लस को खत्म कर दे। तो प्लस को खत्म कौन कर सकता? माइनस। और माइनस खत्म करने के लिए क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो आएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड से लेगा, जब दूसरे कंपाउंड से लेगा तो ये वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर एंट्री होगी जिस इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए ये कोई ए है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 से +5 हो जाएगी। लेकिन ये जो ए जो था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये कहां पहुंच जाएगा? A+1 में नहीं पहुंच जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसने इसका क्या किया? ऑक्सीकरण। इसने इसका क्या किया? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि यहां पर ए जो है 0 से कहां पर गया? +1 पे, और 0 से +1 गया, इसी को तो आप कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीकरण कराता है, जो ऑक्सीकरण कराता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। और HNO3 जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये +5 फॉर्म में है, और +5 फॉर्म में है तो भूखा बैठा, भूखा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन +5 अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति जो इसका अट्रैक्शन होगा ना बहुत ज्यादा होगा। कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुरंत अटैक कर देगा। मतलब कितना से कितना बेकार से बेकार कंपाउंड भी यहां ले आए ना, उसके साथ भी कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, ले आओ। उस कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करने के लिए तैयार है कि कोई भी यहां ले आओ, मैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां +5 की फॉर्म में, +5 की फॉर्म में तो बहुत ज्यादा भूखा है, और भूखा होने की वजह से ये करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकाल लेगा, मतलब दूसरे कंपाउंडों का क्या करा देगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करा देगा, इसी के लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारक। HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकरण करने में इसको महारत हासिल है, किसी का भी करा देता है, ठीक है, जनरली।
अब आप कहेंगे कि इसको हमने प्रबल ऑक्सीकारक कहा, ठीक, प्रबल ऑक्सीकारक दो बेस पे कहा, एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के बेस पे, किसी दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और एक ऑक्सीजन के बेस पे। ऑक्सीजन के बेस पे हम क्यों कह रहे हैं, हम ऑक्सीजन के बेस पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि HNO3 जो है ना, देखो दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, दूसरे का ऑक्सीकरण खुद का रिडक्शन, इसी को तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, और ऑक्सीकरण अपचयन जहां होता है वहां रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन के लेने देने से ऑक्सीकरण अपचयन होता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल, ऑक्सीजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, ये प्रोसेस भी जो क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन की ही कहानी है। तो HNO3 जो है, HNO3 करता क्या है, HNO3 डीकंपोज होके, अगर इसको डीकंपोज किया जाए मतलब गर्म गर्म करोगे तो ये NO2 बनाएगा, पानी बनाएगा, और साथ में बनाता है ऑक्सीजन। अलग अलग कहानी में अलग अलग चीजें होती हैं, कभी अगर आप सांद्र ले लेंगे तो यहां पर NO2 बनेगा, कभी डाइल्यूट ले लेंगे, पतला ले लेंगे तो यहां NO बनेगा, उसके इसमें यहां ऑक्सीजन ज्यादा बनते हैं, तो ये ऑक्सीजन बनाता है, ये नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और जो नवजात ऑक्सीजन बनाएगा, यहां जो है नवजात ऑक्सीजन बनता है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में जाके जुड़ेगा, जिसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे ये उस कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, और जब किसी के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ये क्या कराएगा, ऑक्सीकरण। उस कंपाउंड में तो ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन यहां से तो ऑक्सीजन गया है, और यहां से जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसका क्या हुआ, अपचयन, और सामने वाले कंपाउंड जिसमें ये ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। किसने कराया, इसने कराया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, और उसको क्या बोलेंगे, अपचायक। उसका अपचय, उसका ऑक्सीकरण हुआ तो वो, उसने इसको क्या कर दिया, इसका कराया अपचयन, और इसने उसका क्या किया, ऑक्सीकरण। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीकारक। तो ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब प्रबल ऑक्सीकारक तो हो गई बात इसकी खत्म, HNO3 को हम प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं। एसिडिक करेक्टर तो इसके अंदर है ही, और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। अब बात करते हैं कि इनकी रिएक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है, जो हमने नाइट्रिक अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अब हम बात करते हैं इनकी क्रिया करानी कैसे कंपाउंडों के साथ है। तो देखिए एसिड है, तो एसिड है तो ये इसकी क्रिया हम बेस के साथ कराएंगे, कुछ बेस होते हैं यानी उनके जो है हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है आपने टेंथ में पढ़ा होगा कि अगर टेंथ में या फर्स्ट ईयर में तो किसी भी बेस की क्रिया किसी भी बेस यानी क्षार की क्रिया अगर अम्ल के साथ कराते हैं या किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, जीवन में कभी भी ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जरूर बनता है क्या, लवण, यानी सॉल्ट जरूर बनेगा, और सॉल्ट के अलावा क्या है, जल बनता है, ठीक। तो इसमें सॉल्ट बनता है, इनके लवण बनेंगे। तो इनका एसिडिक करेक्टर देखें तो एसिडिक करेक्टर कोई खास इतना नहीं है, आपको पता है अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो सॉल्ट बनता है, नहीं लवण बनता है, और साथ में जल बनता है, और कुछ गैसीय कंपाउंड भी बनते हैं, ठीक। ये गुण तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, आसान है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले जो गुण है ना, इसके ऑक्सीकारक गुण जो है, इसके बेस पे इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी लेंथी जाएगी, और लेंथी हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं, आइए चार्ट बना के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से हैं और किनके साथ इनकी हमें क्रिया करानी है। तो मैं अगर बात करूं तो जो हम HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको किस किस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, मैं इसको इसकी क्रिया पहले कराऊंगा नॉन मेटल के साथ, पहले हम कराते हैं इसकी क्रिया एसिड के साथ, एसिड HNO3 की क्रिया पहले किससे कराएंगे, एसिड, तो ये खुद है तो एसिडिक करेक्टर वाला गुण करेंगे, तो एसिड की क्रिया पहले कराएंगे बेस के साथ, और बेस कैसा, बेस का ऑक्साइड लेंगे हम, ठीक है, कुछ बेसिक ऑक्साइड लेंगे, और बेसिक ऑक्साइड लेने के बाद इसकी जो क्रिया है वो हम कराएंगे नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल का मतलब क्या, नॉन मेटल बेस का मतलब क्या, क्षार, यानी इसकी क्रिया किससे होगी, क्षार से, और नॉन मेटल का मतलब अधातु, इनकी क्रिया हम पढ़ेंगे अधातुओं के साथ, अधातु के साथ यानी अधातुओं के साथ। दूसरी क्रिया जो है इनकी क्रिया किससे पढ़ेंगे, मेटलॉइड से, ठीक है, मेटलॉइड्स, जो मेटलॉइड्स होते हैं यानी इसका मतलब क्या, उपधातु, इनकी क्रिया हमें उपधातुओं के साथ पढ़ना है। उसके बाद जो इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मेटल के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल वाली जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं हर कंडीशन में, तो मेटल के साथ यानी
धातुओं के साथ इनकी क्रिया पढ़नी है। उसके बाद जो क्रिया पढ़नी है हमें किसे किसके साथ, कुछ कंपाउंडों के साथ पढ़ेंगे, यानी कुछ कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे कि यौगिकों के साथ इनकी क्रिया करा है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ग्लिसरॉल है या फिर फिनॉल है या फिर बेंजीन है, इनके साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो ये किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं या फिर कैसे यौगिक बनाते हैं या किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में बात करना है। तो हमें चार जो प्रॉपर्टी है, चार या पांच जो भी मैंने लिखी है यहां पर, पहला कौन सा क्षार के साथ इनकी रिएक्शन देखना है, दूसरी कौन सी अधातु के साथ इनकी क्रिया देखना है, तीसरा कौन सा उपधातु, चौथा धातु और पांचवा जो है यौगिक। ये चारों के चारों और पांचों प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ ली तो उसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग गुण हो या फिर कोई भी गुण हो, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसमें मैं सभी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक। तो पहले जो है हम मेटल या फिर बेस के साथ बात करते हैं कि बेस के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराई जाएगी तो आपको पता है नाइट्रिक अम्ल क्या है, अम्ल है यानी एसिड है, और हम बात किसके कर रहे हैं, क्षार के साथ क्रिया कराने की, और क्षार में भी हम क्या लेंगे, बेसिक ऑक्साइड लेंगे, जैसे NaOH के साथ इसकी क्रिया कराओ, यानी NaOH क्या है, क्षार है, तो NaOH के साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षार कभी भी क्रिया करते हैं जीवन में, कभी भी मिलेंगे तो क्या जरूर बनाएंगे, पानी जरूर बनाते हैं, पानी के अलावा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट यानी लवण बनेगा। जैसे मैं यहां पर इसकी रिएक्शन कराता हूं अलग अलग, ठीक है। पहली रिएक्शन हम कौन सी करेंगे, क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्षार के साथ किनकी क्रिया, कुछ कार्बोनेट्स के साथ, कोई कुछ बाइकार्बोनेट के साथ और कुछ बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे फर्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, अगर मैं इसकी क्रिया कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक हाइड्रोक्साइड है और हमारा जो HNO3 है वो क्या है, अम्ल, ये क्या है क्षार और ये क्या है अम्ल। और आप सबको पता है, आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अम्ल और क्षार जीवन में कभी भी मिलते हैं, अम्ल और क्षार जीवन में कभी भी मिलते हैं तो वो जरूर बनता है क्या, पानी, जल जरूर बनेगा, ये बनता ही बनता है। और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनता है, सॉल्ट यानी लवण। और सॉल्ट और या फिर लवण कैसे बनेगा, यहां अगर इसको मैं आयनों में तोड़ू तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस और यहाँ OH माइनस, इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस। आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ, तो प्लस और माइनस तो H और OH मिलके तो पानी बना रहा है, और यहां पे Na प्लस और NNO3 मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये क्रिया हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी क्रिया और कंपाउंडों के साथ कराएं तो और कंपाउंड क्या, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करा दो, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, HNO3 से, ठीक है, HNO3 से। जब HNO3 से इसकी क्रिया कराएंगे तो आप खुद देखो यहां पर अगर इसको आयनों में तोड़ू तो Ca+2 में टूटेगा और O-2 में टूटेगा, ठीक, और यहां H+ और NO3-। आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है और माइनस वाला प्लस के साथ, तो यहां Ca+2 जो है, Ca+2 जब NO3- के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका चार्ज इधर आएगा और इसका चार्ज इधर आएगा और यहां बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइज, और इधर क्या बनेगा, यहां बन जाएगा O- पे 2 है और H पे प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, पानी। आपको पता है दोनों, ये क्या है क्षार और ये क्या है अम्ल, ये बेसिक ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है और ये क्या है, एसिड है, और अम्ल क्षार कभी भी क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, इनके ऑक्साइड उनके जो कंपाउंड बनेंगे वो सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप मैनी मोर रिएक्शन कर सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ क्रिया करा सकते हैं, Na2CO3 की क्रिया जब HNO3 के साथ कराएंगे तो यहां पर भी फिर वही कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट यानी NaNO3 और साथ में बनेगा पानी और साथ में बनेगा CO2, यानी यहां पर बनता है हुक्का पानी, मैं CO2 को हुक्का बोलता हूँ, हुक्का पानी हो गया, तो ये H2O और CO2 बनेगा। इसी तरीके से अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे NaH CO3 के साथ HNO3 की क्रिया, तो यहां पर भी जो रिएक्शन होगी यहां पर भी सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 और साथ में क्या बनेगा H2O और साथ में क्या बनेगा CO2। तो ये रिएक्शन आसान है, ये बेसिक क्षारीय और अम्ल की क्रिया, क्षार और अम्ल की क्रिया जो है बहुत आसान है, आप लोग 9-10 से ही पढ़ते हैं। मेन जो रिएक्शन है वो आगे आएगी, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अधातुओं के साथ क्रिया, और अधातुओं के साथ जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधातु आपको पता है कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट होगा, ये होगा कार्बन है, सल्फर है, नॉन मेटल आप पी ब्लॉक, जनरल पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो हम पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है या जो नॉन मेटल इनके साथ रिएक्ट करते हैं उनकी क्रिया कराते हैं। तो कुछ नॉन मेटलों के साथ मैं इनकी क्रिया करा रहा हूं, किनकी,
नाइट्रिक एसिड की। हम नाइट्रिक एसिड से कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड भाई नॉन मेटल के साथ क्रिया करोगे, तो बोले हाँ भाई कर लेते हैं हम। तो बोले क्या बनाते हो, बोले जैसा जैसा एलिमेंट आएगा उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एलिमेंटों के साथ क्रिया करानी है और HNO3 जो है किसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। तो अब जो है HNO3 की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, नॉन मेटल के साथ, यानी किसके साथ, अधातुओं के साथ। और अधातुओं के साथ जो क्रिया कराएंगे तो आपको मैं उसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। और ट्रिक कैसे होगी वो देखिए, तो पहले कौन कौन से कंपाउंड हमें बनाना है वो देख लो आप। नॉन मेटल जो है, अगर अधातु की बात करें तो अधातुओं में हमें क्रिया किसके साथ करानी है, अधातुओं में एक तो कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ, उसके बाद आयोडीन के साथ यानी I2 के साथ, इनके साथ यौगिकों की, इनके यौगिकों की क्रिया करानी है। और जो नॉन मेटल के साथ जो क्रिया कराते हैं ना, जब नॉन मेटल के साथ क्रिया कराते हैं तो नॉन मेटल नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके अपने हायर ऑक्सी एसिड में जाते हैं। अपने हायर ऑक्सी एसिड का मतलब है कि जो इनकी मैक्सिमम ऑक्सी एसिड बनाने की जो टेंडेंसी है, जो ऑक्सी एसिड इनका जब हायर ऑक्सी एसिड होगा, जो मेन सबसे ज्यादा हाई पावर वाला ऑक्सी एसिड होता है, उनमें जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सी कार्बन जो है वो H2CO3 बनाएगा, सल्फर जो है वो H2SO4 बनाएगा, फॉस्फोरस जो है H3PO4 बनाएगा, आयोडीन जो है वो HIO3 बनाएगा। ये इनके हायर ऑक्सी एसिड है, इससे ज्यादा ऊपर वाले एसिड ये लोग बनाते ही नहीं है। जैसे कार्बन है H2CO3 के अलावा नहीं बनाएगा कुछ भी, क्योंकि इनका सबसे मेन जो सबसे ज्यादा हैवी जो ऑक्सी एसिड होता है वो यही होता है। सल्फर H2SO4 से ज्यादा ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा, इनका हायर ऑक्सी एसिड है। तो नॉन मेटल जनरली नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सी एसिड बनाते हैं। और कौन सा ऑक्सी एसिड, अपना हायर ऑक्सी एसिड जो मैक्सिमम फॉर्म कर सकते हैं उस फॉर्म में जाके एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं जनरल बात करूं तो कार्बन किस में बदल जाएगा, H2CO3 में, ठीक है। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में। ये सब इनके हायर ऑक्सी एसिड है। और अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HIO3 में, आयोडीन अम्ल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन सब में कॉमन होगा क्या, कॉमन होगा NO2 और पानी। NO2 और पानी जो है इन सभी रिएक्शनों में कॉमन है, जिनकी भी रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराएंगे तो इनमें सब में ये कॉमन होगा, ठीक। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना हो, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी जब आप रिएक्शन कराएंगे, तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपके काम में आएगी। ट्रिक क्या है वो देख लो। जैसे कार्बन है ना, कार्बन, जब कार्बन की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो क्या करना है वो देखो। कार्बन का आप जानते होंगे कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कार्बन वाले केस में हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है। सल्फर की कितनी होती है, सल्फर S4 क्या, सल्फर और S4 क्या होता है, 6। यानी सल्फर वाले केस में हम क्या लिख रहे हैं, 6। मैंने फास्फोरस को ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे लिख दिया। P4 क्या होता है, पेंटा। P4 क्या होता है, फास्फोरस। यानी फास्फोरस वाले केस में क्या लिखेंगे, P, और P का मतलब क्या, 5, ठीक है। और आयोडीन जो है, आयोडीन, तो इसका आयोडीन का अगर आप नाम लोगे तो आयोडीन को हम कैसे बोलते हैं, आयोडीन, आयोडीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयो, क्या बोलते हैं, आयो। तो आयोडीन, तो आईओ ले ले रहा हूं मैं, आयोडीन का नाम क्या होता है, आयोडीन, तो आयो, तो आईओ ले लो, आईओ। अब इसका मतलब क्या आप समझो, इसका मतलब यह है कि कार्बन वाले केस में 4 से हम अगर गुणा कर दें, किसमें, नाइट्रिक एसिड में, अगर कार्बन वाले केस में 4 से अगर हम गुणा कर देंगे नाइट्रिक एसिड में, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस करने में आसानी होगी। सल्फर वाले केस में 6 से, फास्फोरस वाले केस में 5 से, और आयोडीन वाले केस में कितने से, 10 से। आईओ का मतलब है 10, यानी 10 की तरह दिख रहा है ना आपको ये, 10। तो इसलिए इसमें जो है 10 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने में आपको आसानी होगी। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, एक या दो, उससे आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है। तो नॉन मेटल के साथ अगर मान लीजिए पहली फर्स्ट रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएं, कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ जो क्रिया कराएंगे वो किसकी क्रिया करानी है, कार्बन के साथ क्रिया किसकी करानी है, किसकी, HNO3 की। कार्बन की क्रिया HNO3 के साथ कराएंगे तो कार्बन प्लस HNO3, और ये रिएक्शन जो होगी तो आपको मैंने अभी बताया यहां पे क्या बनेगा, H2CO3, और उसके बाद क्या बनेगा यहां, H2CO3, उसके बाद NO2 और प्लस पानी, सही है। अब ये रिएक्शन बैलेंस कर लो आप। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एन 4 हो जाएंगे, और यहाँ एन जो है कितना है, एन यहाँ पर 4, और यहाँ एन
एक ही है, तो चार से यहां गुणा कर देंगे। जैसे ही चार से गुणा करेंगे तो चार तीन बारह, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, चार तीन बारह, इधर ऑक्सीजन कितने, चार दुनी आठ और एक नौ, नौ तीन बारह, एच कितने इधर चार, चार इधर एच कितने हैं दो और दो चार, कार्बन इधर कितना है एक, इधर भी कार्बन कितना है एक, रिएक्शन बैलेंस ठीक है। और ये जो क्या बन गया, ये बन गया कार्बोनिक एसिड, ये जो है कार्बोनिक एसिड है और कार्बन का हायर ऑक्सी एसिड बना है ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने में आपको आसानी है। आप कहोगे फास्फोरस के साथ क्रिया कराने को, तो मैं फास्फोरस के साथ भी क्रिया करा दे रहा हूं, तो HNO3 की जब हम क्रिया कराएंगे फास्फोरस के साथ तो फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैंने आपको अभी बताया पीछे H3PO4, H3PO4 यानी ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, हायर ऑक्सी एसिड है। और यहां साथ में क्या बनेगा, NO2 और पानी, ये तो कॉमन है और ये तो दोनों रिएक्शन में ही है, सभी रिएक्शनों में होगा, नॉन मेटल केस में जिन जिन के साथ क्रिया कराओगे ये तो हर किसी का प्रोडक्ट बनना ही बनना है। अब आपको यहां पर देखना है अगर कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं, अगर यहां पे आपको पहचानना हो कि जो हम बात पीछे कर रहे थे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने ऑक्सीकारक की तरह काम किया भी या नहीं, इसने इसका ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण किया, तो कैसे चेक करते हैं वो देखो आप। यहां नाइट्रोजन हमारे कौन सी फॉर्म में था, यहां नाइट्रोजन था किस फॉर्म में, नाइट्रोजन था यहां पर प्लस फाइव की फॉर्म में, यहां नाइट्रोजन प्लस फाइव की फॉर्म में है, लेकिन आप अगर नाइट्रोजन को यहां चेक करने जाओगे ना, पूछोगे नाइट्रोजन क्या हालचाल है किस फॉर्म में हो, तो नाइट्रोजन कहेगा कि भाई साहब हमारा रिडक्शन हो गया, हमने इलेक्ट्रॉन दूसरे का एक्सेप्ट कर लिया जिसकी वजह से हमारी हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो गई। बोले कैसे, बोले यहाँ ऑक्सीजन दो है तो एक ऑक्सीजन में माइनस टू होता है तो दो दुनी चार, यानी यहाँ पे कितना है प्लस फोर फॉर्म में है, यानी यहाँ प्लस फाइव में था यहाँ प्लस फोर में, और प्लस फाइव से प्लस फोर कोई कैसे आता है किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी होगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, और जिसने किया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। तो यहां पे अगर आप कार्बन चेक करो तो कार्बन है जीरो की फॉर्म में, और यहां अगर कार्बन चेक करोगे तो यहां पक्का जो है जीरो से कुछ बढ़ गया होगा, यानी इस HNO3 ने इसका क्या कर दिया होगा, ऑक्सीकरण। ना यकीन हो तो चेक कर सकते हो आप, यहां पर ऑक्सीजन तीन है, तीन दुनी छह, और ये दो प्लस का होगा, यानी तीन दुनी छह प्लस दो क्या हो गया प्लस, तीन दुनी छह और प्लस दो, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, यानी माइनस का फोर, और कार्बन जो है यहां माइनस फोर में, कार्बन जो है माइनस फोर आगा उधर जाकर प्लस फोर, यानी कार्बन यहाँ प्लस फोर फॉर्म में है, यानी जीरो से प्लस फोर फॉर्म में गया है। आप कहोगे कि यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान था, ना ना ना, ये जो है यहां पर चार मॉलिक्यूल है, एक के केस में एक इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन लिए यहां पर चार लोगों ने मिलकर, तो इसीलिए यहां पर कार्बन ने अपने चार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जीरो से प्लस फोर फोर पे पहुंच गए, यानी HNO3 ने क्या कर दिया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया, इसीलिए तो इसको जानते हैं दुनिया में, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह है, एक HNO3 जब लोगे ना तो एक प्लस का चार्ज आएगा, लेकिन जब चार HNO3 है तो चार वाले केस में चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इस कार्बन के केस में चार प्लस का चार्ज आया, इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का रिमूवल एडिशन के बेस पे ही बताया, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात करनी, इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात करनी है तो ऐसे देख लो, अगर आप ऑक्सीजन के बेस पे बात करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के बेस पे भी देख सकते हैं, यहां पर तीन ऑक्सीजन थे लेकिन यहां नाइट्रोजन वाले केस में दो ही ऑक्सीजन है, तो इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल, लेकिन इस कार्बन वाले केस में ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन। तो इस बेस पे भी क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, और उस बेस पे इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक, इसलिए इसको बोल रहे हैं ठीक। तो मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा आपको। फॉस्फोरस वाले केस में अगर हम देखें तो पी फोर क्या है, पेंटा, पेंटा का मतलब पांच, यानी गुणा कितने से कर दें, पांच से, पांच से आप गुणा कर दो, रिएक्शन बैलेंस करना है, यहां पर एन पांच हो गए तो यहां पांच से गुणा करो आप, उसके बाद फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है, इधर एच कितने हैं पांच, इधर एच कितने हैं तीन और दो पांच, ऑक्सीजन कितने हैं पांच तीन पंद्रह, और इधर ऑक्सीजन पांच दूनी दस और दस है ग्यारह और ग्यारह चार पंद्रह, रिएक्शन बैलेंस है और बहुत आसान है। आप कहो सल्फर के साथ कि सर सल्फर के साथ क्या करेगा, तो सल्फर के साथ भी वही करेगा जो दुनिया वालों के साथ कर रहा है, कहेगा तुझे भी हम ऑक्सी एसिड में बदल देंगे, और थोड़ा बहुत नहीं हायर ऑक्सी एसिड में, HNO3 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर को H2SO4 में बदल देगा, और कहेगा ले साथ में NO2 और प्लस H2O ये भी बनेगा ठीक है। अब सल्फर वाले केस में S4 6 और S4 सल्फर, तो यहां छह से गुणा कर दो, तो जैसे ही छह से गुणा करेंगे तो यहां भी छह से गुणा करनी होगी, और छह से जब गुणा कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, आप चेक कर सकते हो, यहां H6 और यहां H4 सॉरी दो दो और दो चार
अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है इसमें, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ एच 6 है, इधर एच कितने हैं 2 और 2 दुनी 4, 4 ही है, इधर ओ देखें तो 6 3 18, इधर ओ कितने हैं 6 दुनी 12 और 4 16, 2 से यहाँ गुणा कर दो रिएक्शन बैलेंस। अब एच चेक कर लो आप, सल्फर 1 सल्फर 1, एच 6 एच 2 और 2 दुनी 4 6, ओ कितने 4 और 6 दुनी 12 12, 6 दुनी 12 और 4 16 2 18, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप सारी रिएक्शन कर सकते हो। अगर आयोडीन का केस देखना है तो आयोडीन वाले केस में भी HNO3 क्या करेगा, HNO3 से कहोगे I2 से क्रिया करेगा, बोले करेंगे, I2 को किस में कन्वर्ट करोगे, बोले ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल को मैं जो है ना हायर ऑक्सी एसिड में बदल देता हूं, तो हायर ऑक्सी एसिड आयोडीन का जो होता है वो HIO3 होता है, बोले इसको HIO3 में हम बदल देंगे और साथ में क्या बनाएंगे, साथ में बनाएंगे हम NO2 और पानी, तो NO2 और पानी बन जाएगा, सही है, NO2 और पानी बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसमें 10 से गुणा करो, मैंने क्या बताया आयोडीन वाले केस में आपको याद क्या रखना है, आयो, आयो का मतलब आयोडीन बोलते हैं ना आयोडीन, तो मैं आयो ले रहा हूं, आईओ, आईओ का मतलब 10, यानी 10 से गुणा होगी इसमें 10 से गुणा, तो यहां भी क्या कर दें 10 से गुणा। अब रिएक्शन बैलेंस करना है, इधर एच कितने 10, इधर एच कितने हैं वो चेक कर लो, 10 3 30, इधर वो कितने हैं 10 दूनी 20 और 3 23, 23 एक 24, कितने ही कमी है 6 की, तो यहां क्या कर दें 6 से गुणा, 6 से गुणा ना सॉरी 6 से काम नहीं चलेगा, यहां आयोडीन 2 है यहां आयोडीन 1 है, 2 से गुणा, सही है। अब चेक करो ओ, ओ कितने इधर 30, इधर वो कितने 3 दुनी 6, 6 और 10 दुनी 20, 20 और 6 26, 26 कितने ही कमी है 4 की, तो 4 से गुणा कर दो। अब आप एच चेक कर लो, यहां 10 एच है और इधर एच कितने 2 और 2 और 4 दुनी 6, 4 दुनी सॉरी 8, 4 दुनी 8 और 2 कितना होगा 10, तो इधर भी 10, ये क्या है आयोडीकम, तो ये नॉन मेटल के साथ क्रिया हो गई। आपको ये ट्रिक याद रखना है, कार्बन वाले केस में बैलेंस कैसे करते हैं, कार्बन वाले केस में 4 से गुणा, सल्फर में 6 से, पेंटा में 5 से, आयोडीन में 10 से, तो ये रिएक्शन भी हो गई, कंपाउंड भी बन गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो गया, और हमने नॉन मेटल के साथ क्रिया भी करा ली। अब बात करते हैं मेटल के साथ, लेकिन मेटल के साथ जो रिएक्शन है ना वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं वीडियो पहले एक बार चेक कर ले रहा हूं कि उसमें जो है कितनी लेंथी वीडियो बन गई है, उसी के हिसाब से आगे वीडियो को हम बढ़ाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले वीडियो कितना हो। अब जो है हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, और मेटल के साथ रिएक्शन कौन कौन से मेटल हमारे पास है उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा मेटल से पहले जो है मैं आपको किसके बारे में बात करा देता हूं, किसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम, उपधातु की क्रिया करा देते हैं। मेटल से पहले उपधातु की क्रिया पढ़ लेते हैं, किनके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड उपधातु के साथ कैसे क्रिया करता है वो पहले देखते हैं। तो उपधातु जो है ना जनरली हमारे पास दो दो रिएक्शन करानी है, एक आर्सेनिक के साथ और एक एंटीमनी के साथ, आर्सेनिक और एंटीमनी, एएस पहले, अभी हमने क्या पढ़ा नॉन मेटल, अब सेकंड जो है हमें किसके साथ पढ़ना है उपधातु के साथ, उपधातु के साथ क्रिया। और उपधातु जो है वो कौन कौन से है, हमें किन के साथ क्रिया करानी है, दो के साथ करानी है, एक एएस के साथ और एक एसबी के साथ, यानी आर्सेनिक और एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक। तो इसमें जो है ना आपको एक नोट याद रखना होगा, एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है इन दोनों के केस में, जिस प्रकार से नॉन मेटल को यानी अधातु सॉरी अधातुओं को नाइट्रिक एसिड ने हायर ऑक्सी एसिड में बदला था, उसी प्रकार से उपधातुओं को भी ये हायर ऑक्सी एसिड में बदल देता है, यानी इन नॉन मेटल इन मेटलॉइड्स को इन उपधातुओं को किस में बदलेगा, हायर ऑक्सी एसिड में, जो इनका हायर ऑक्सी एसिड होता होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा, किसको, नाइट्रिक एसिड, इन कंपाउंडों को इन एलिमेंटों को किसमें बदल देगा, इनके हायर ऑक्सी एसिड में। बाकी सेम रिएक्शन है जैसे नॉन मेटल का हमने केस पढ़ा था, वैसी इनका भी केस है, लेकिन इस केस को याद करने के लिए आपको एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक याद करना पड़ेगी, और ट्रिक क्या क्या है, हंसो 34 बार एंटीमोनिका के साथ, एंटीमोनिका के साथ ये ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको कंपाउंड याद रहेगा कि क्या क्या बनता है, हंसो 34 बार एंटीमोनिका के साथ, ठीक है, एंटीमोनिका के साथ, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, हिंदी में लिख लो एंटीमोनिक, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि नाम सही समझ में आए, ठीक है, एंटीमोनिका के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि जब आर्सेनिक की क्रिया कराएंगे और एंटीमनी की क्रिया कराएंगे तो आर्सेनिक जो है H3ASO4 बनाता है और एंटीमनी जो है ये बनाता है H3SbO4। आर्सेनिक का हायर ऑक्सी एसिड ये है और एंटीमनी का हायर ऑक्सी एसिड ये है, और साथ में कॉमन बनता है क्या, NO2 और पानी, NO2 और पानी जो है दोनों रिएक्शन में कॉमन है, ये दोनों रिएक्शन में ही कॉमन है, ठीक है।
तो आप इस ट्रिक का क्या मीनिंग है? इस ट्रिक का मीनिंग यह है कि जब आर्सेनिक की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो ये बनेगा, आर्सेनिक एसिड बनता है आर्सेनिक एसिड, और जब एंटीमनी के साथ क्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल की तो ये कंपाउंड बनता है, ये भी एंटीमनिक का एसिड है। तो इस अम्ल का नाम जो है ना वो एंटीमोनिक एसिड है। क्या नाम है? एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड। तो मैंने क्या कहा? हंसो 34 बार। तो हंसो 34 बार का मतलब है देखो HASO4 यानी HASO हंसो HA, जैसे अगर मैं लिखूं ना HASO तो इसका मतलब क्या है? हंसो, सही ना? हंसो कितनी बार? 34 बार। तो 3 और 4 हंसो 34 बार किसके साथ? आंटी मोनिका के साथ। तो आंटी मोनिका का मतलब क्या है? आंटी मोनिक, यानी ये एंटी मोनिक अम्ल है। और इस वाले केस में भी यहां कितना होगा? 3 और 4। तो आपको याद रहेगा कि जब उपधातु के साथ क्रिया कराते हैं तो किसके साथ हंसना है? एंटीमोनिक के साथ, यानी एंटीमोनिका के साथ। और आंटी हंसो कितनी बार? 34 बार। हंसो 34 बार एंटीमोनिका के साथ, तो एंटीमोनिक अम्ल बनता है और यहां आर्सेनिक एसिड बनता है। और 34 बार का मतलब क्या है? 3 और 4। तो आपको याद रहेगा कि इसमें कंपाउंड क्या बनता है, ठीक है? तो ये उपधातु के साथ क्रिया हो गई। अब जो है हमें मेटल के साथ क्रिया देखनी है, और मेटल के साथ जो क्रिया देखनी है तो मेटल के साथ कौन कौन से मेटल हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरल अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, अच्छा इसमें रिएक्शन मैंने नहीं कराई है तो आप रिएक्शन करा सकते हो, जैसे हमने पीछे वाला केस देखा था As+HNO3, आप रिएक्शन कर लेना, बाकी रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मेटल यानी धातु के साथ क्रिया, और ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो चुकी है, तो मैं धातु की क्रिया जो है और कुछ कंपाउंडों की क्रिया नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देंगे, लेकिन मेटल कौन कौन से हैं और किनके साथ रिएक्शन करनी है उसके बारे में मैं आज बता दे रहा हूं। जो हमारे पास धातु है ना, धातुओं की क्रिया पढ़ रही है, धातुओं के साथ क्रिया, और धातु जो है जनरल अगर हम देखा जाए जिनकी रिएक्शन हमें पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो धातु दो प्रकार के हैं। यहां जो धातु है वो दो प्रकार के हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उस श्रेणी के बेस पर यहां पर मेटल को दो प्रकार से जनरल कैटेगराइज किया गया है, मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है। एक वो मेटल है जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और एक वो मेटल है जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। यानी दो प्रकार के धातु हैं, एक कौन जो हाइड्रोजन से ऊपर, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है, और एक कौन जो हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है? नीचे, एक हाइड्रोजन से नीचे और एक हाइड्रोजन से ऊपर। और हाइड्रोजन से नीचे और ऊपर वालों के साथ जब इनकी रिएक्शन होगी, जब हम हाइड्रोजन से ऊपर वालों के साथ क्रिया कराते हैं तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनता है, और जब हाइड्रोजन से नीचे वालों के साथ क्रिया कराते हैं तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले के साथ कराओगे तो कुछ और प्रोसेस है रिएक्शन की, और जब हाइड्रोजन के साथ नीचे कराएंगे, नीचे वालों के साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल के साथ क्रिया कराएंगे तो अलग प्रकार का यौगिक बनेगा। तो ये क्यों होता है उसके पीछे जानेंगे, क्यों होता है इसका रीजन ये है। देखो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, वो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। और नीचे वाले जो है वो क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। खुद सोचो, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो सब टॉप पे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर है, यानी जो सबसे ऊपर है, वो प्रबल क्या है? प्रबल अपचायक है। अपचायक वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करा दें, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दें। मैं क्या कह रहा हूं, धातु जो है हमारे पास दो प्रकार के धातु हैं, एक कौन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, और एक कौन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। और मैं कह रहा हूं जो टॉप पे पाया जाता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वहां पर जो टॉप पर है, जो टॉप पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो क्या है? प्रबल अपचायक। वो क्या है? प्रबल अपचायक है, अपचायक, प्रबल अपचायक है। और जो बॉटम में है, नीचे है, सबसे नीचे बॉटम में, वो क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। नीचे वाले क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक, और ऊपर वाले क्या है? प्रबल अपचायक। तो इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था प्रबल अपचायक कौन होते हैं, अपचायक कौन होते हैं? जो दूसरे का अपचयन करें, और दूसरे का अपचयन कौन करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे अपनी, दूसरे का अपचयन करेंगे तो खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी दूसरे का अपचयन तो खुद का क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के किसी दूसरे का अपचयन कराएंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी करेंगे। और यहां पर बॉटम में जो है वो क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये क्या करेंगे? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहां वाले जो एलिमेंट होंगे प्रबल अपचायक हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला है।
यानी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्रबल अपचायक है, तो इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा, कुछ अलग यौगिक बनेंगे, रिडक्शन होगा, यानी हमारे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन, यानी हमारे मॉलिक्यूल का ये क्या कराएगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है HNO3 है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसकी क्रिया कराएंगे इसके साथ तो ये प्रबल अपचायक है, और प्रबल अपचायक है, हमारा वाला प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये हमारे वाले कंपाउंड का क्या करा देगा, अपचयन करा देगा, यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे अपचयन कराएंगे, और जब ज्यादा अपचयन होगा तो ज्यादा अपचयन के केस में कंपाउंड जो रिडक्शन वाला कंपाउंड बनेगा, अपचयन के बाद वाला कंपाउंड बनेगा, वो अलग प्रकार का बनेगा, और जब नीचे वाले के साथ कराएंगे तो यहां पर ये खुद प्रबल ऑक्सीकारक है और हमारा कंपाउंड भी प्रबल ऑक्सीकारक है, तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन किसका अपचयन कराएगा और कौन किसका ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण कराएगा, तो इस केस में कंपाउंड अलग बनेगा। एक चीज आपको और बता दूं कि जब हम कंसेंट्रेशन, ये जो ऑक्सीकरण अपचयन है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है HNO3 की हम बात करें तो HNO3 देखो क्या है, और HNO3 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है तो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करेगा, अपचयन, दूसरे का तो ये ऑक्सीकरण कराएगा और खुद का अपचयन कराएगा, और ये जब खुद का अपचयन कराता है ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है ऑक्सी रिडक्शन पे, यानी अपना रिडक्शन करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट आपने देखा होगा, किसी केस में NO2 बनता है, किसी केस में NO बनेगा, किसी केस में N2O बनेगा, किसी केस में यहाँ पर NH3 बनेगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यौगिक है, कभी NO2, कभी NO, कभी N2O, कभी NH3, कभी अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है कहीं कहीं पर, क्यों, क्योंकि यहाँ +5 है, यहाँ पर प्लस कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे अगर हम +2 होगा, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जो है शायद +1 होगा, और इस वाले केस में -3 होगा, और आपको पता है और बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक घूमता है, नाइट्रोजन की जो रेंज है वो -3 to +5, और ये +5 से घटा ही सकता है, बढ़ा नहीं सकता, तो +5 से अपनी ऑक्सीकरण संख्या नीचे ही ले जाएगा, तो ये नीचे लाता है, जब इसका ज्यादा रिडक्शन होगा, ज्यादा अपचयन होगा, तो ये इन कंपाउंडों की तरफ आएगा, और जब कम ऑक्सीडेशन होगा तो ये इन कंपाउंडों की तरफ होगा, मतलब कम इनका जब अपचयन होगा तो ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनाएंगे, और जब ज्यादा होगा तो इस तरीके से, और ज्यादा और कब कम होता है, कब होता है, ये डिपेंड करता है मेटल की कंसेंट्रेशन पे, यानी नाइट्रिक एसिड जो होगा उसकी कंसेंट्रेशन पे, और जो है टेम्परेचर पे, और मेटल के नेचर पे, मेटल का नेचर, तीन चीजों पे। ये जो कंपाउंड बन रहा है ना अपचयन के बाद, जो हमारा HNO3 है वो तो ऑक्सीकारक है, यानी HNO3 दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा, खुद का तो अपचयन करेगा, तो अपचयन के बाद जो ये प्रोडक्ट देता है HNO3, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, वो तीन बातें हैं, कौन कौन सी, वो तीन बातें कौन कौन सी है, वो तीन बातें हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल का नेचर कैसा है, मेटल का नेचर, यानी जो धातु है उसकी प्रकृति कैसी है, और प्रकृति के बारे में मैंने अभी बताया कि धातु की जो प्रकृति है वो हाइड्रोजन के बेस पे, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है वो क्या है, प्रबल अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है उनका, और नीचे वाले क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इस वाले केस में अलग अलग कहानी होगी, तो ये मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पे भी डिपेंड करता है कि सांद्रता कम है या ज्यादा है, और एक और गुण है वो क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है और कितने टेम्परेचर पे हो रही है, तो ये सब बातों बारे में जो है हम लास्ट जो अगला लेक्चर हमारा जो होगा नाइट्रिक एसिड का हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, धातुओं के साथ क्रिया, और उसके बाद धातुओं के साथ क्रिया के बाद क्या पढ़ेंगे, धातुओं के साथ, और उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंडों के साथ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, कुछ यौगिकों के साथ इनकी क्रिया देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन करेगा HNO3, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई, मैं आज ही करा देता लेकिन आज जो है वीडियो लेंथी होने की वजह से मतलब हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तो अपलोड नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए जो है आज के लिए इतना काफी है, आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको मेटल के साथ क्रिया कराऊंगा, और मेटल कौन कौन से होंगे उनको ट्रिक से बता देंगे हम, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे HNO3 की, जो है कुछ कंपाउंडों के साथ यौगिकों के साथ क्रिया देखेंगे और कुछ मेटल के साथ देखेंगे, कुछ यौगिकों के साथ देखेंगे और कुछ मेटल के साथ, कुछ धातुओं के साथ। कुछ धातु में कौन कौन से, दो प्रकार के धातु जनरल देखना है, एक हाइड्रोजन से ऊपर वाले और एक हाइड्रोजन से नीचे वाले। और हाइड्रोजन से ऊपर नीचे वाले केस में हम HNO3 की कंसेंट्रेशन बदल बदल के भी देखेंगे कि जब पतला होगा तो क्या होगा, यानी तनु होगा HNO3 तब कैसे कंपाउंड बनाएगा, सांद्र होगा तब कैसे बनाएगा, और थोड़ा सांद्र तनु से ऊपर होगा तो कैसे बनाएगा। तीन कंडीशन पढ़ेंगे, तो तीनों हम पढ़ेंगे। तो ये सब बातें जो होंगी वो अगले लेक्चर में होंगी। तो आज के लिए इतना बहुत है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।